आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये सारा बेसिक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये आइडेंटिटीज आप लोगों को पता है, इसलिए मुझे बहुत बहुत कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता है नहीं। ये जो है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बेस्ड है। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए ए की जगह पर यहाँ पर क्या है, टू एक्स बाई थ्री उसका स्क्वायर। टू ए की जगह पे क्या है, टू एक्स बाई थ्री। बी की जगह पे क्या है, फाइव वाई बाई सेवन और प्लस बी का स्क्वायर। बी की जगह पे क्या है, फाइव वाई बाई सेवन उसका स्क्वायर। टू का स्क्वायर करोगे तो फोर, एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर। नीचे थ्री है डिनोमिनेटर में, उसका स्क्वायर करोगे तो नाइन। टू टू जा फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी। एक्स को वाई से गुना करोगे तो एक्स वाई। नीचे थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, फिर फाइव का स्क्वायर करोगे तो ट्वेंटी फाइव। नीचे सेवन का स्क्वायर करोगे तो फोर्टी नाइन वाई स्क्वायर। पहला वाला तो आपका बन गया। दूसरा क्या है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे बेस्ड है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह फॉर्मूला लगेगा आपका, लगा दो। ए की जगह पे है एक्स उसका स्क्वायर माइनस टू, ए की जगह पर है एक्स, बी की जगह पे है वाई बाई थ्री प्लस बी का स्क्वायर। बी की जगह पे है वाई बाई थ्री उसका स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस टू एक्स वाई डिनोमिनेटर में थ्री। वाई का स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर करोगे तो नाइन। यही हो गया आंसर। चलो थर्ड वाला, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, कर लो इसको भी। टू एक्स बाई थ्री का स्क्वायर, टू इंटू टू एक्स बाई थ्री इंटू फोर सॉरी, फिर प्लस फोर का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में नाइन। टू टू जा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन। यही हो गया आपका आंसर। ठीक, तो ये तो स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन थे। अब दो चार जो हैं वो बहुत प्यारे से क्वेश्चन है, चलो इनको भी कर ही लेते हैं। ये चौथा क्वेश्चन देख लो। चौथा क्वेश्चन है, कहता है कि रूट अंडर सेवन का स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर का स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर, फाइंड एक्स। क्या होगा, रूट अंडर सेवन का स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर का स्क्वायर इक्वल्स एक्स का स्क्वायर, जो कि आपका क्वेश्चन है। सेवन का स्क्वायर तो आपको पता है फोर्टी नाइन, ट्वेंटी फोर का स्क्वायर भी पता है पांच सौ छिहत्तर, फाइव सेवेंटी सिक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, रूट अंडर छह सौ पच्चीस इक्वल्स एक्स स्क्वायर। छह सौ पच्चीस का स्क्वायर रूट आपको ये भी पता है पच्चीस इक्वल्स एक्स स्क्वायर, यानी x बराबर क्या हो जाएगा। बच्चे यहां पे कंफ्यूज करेंगे, x क्या हो जाएगा रूट अंडर पच्चीस, यानी उसकी वैल्यू फाइव, यानी x फाइव आया। पांचवा क्वेश्चन, ये क्या है, ये रूट अंडर टू टू फाइव नीचे नाइन। दो सौ पच्चीस का रूट हो जाता है पंद्रह, नौ का रूट हो जाता है तीन, कट गया पांच बार में, यानी फाइव हो गया आंसर। ठीक, फिर अगला वाला जो क्वेश्चन है वो देख लो, छठा क्वेश्चन वो देख लो। वो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन प्लस थर्टीन प्लस फिफ्टीन का अंडर रूट क्या होगा। तो यहां पर आपको क्लास, छोटे क्लासों में जो आपने पढ़ा था वो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि n ऑड नंबर का सम, n ऑड नंबर का सम, ऑड नंबर का सम n स्क्वायर होता है। ये है फॉर्मूला। अब यहां पे देखो सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखे हुए हैं। कितने ऑड नंबर लिखे हुए हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। जोड़ने की जरूरत नहीं, सीधा लिख देना रूट अंडर सिक्सटी फोर। आठ ऑड नंबर है, आठ का स्क्वायर चौसठ और रूट अंडर चौसठ की वैल्यू होती है आठ। बस ज्यादा आपको कुछ करने का जरूरत है ही नहीं।
और उसके बाद दो क्वेश्चन हैं, वो बहुत इससे भी छोटे लेवल के हैं, तो वो मैं करने रहा हूँ। चलिए, थैंक यू।